दसवीं हदीस जामिया तिर्मिजी और मुसनद अहमद में है, मिश्कात में 3118 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई मर्दो औरत, अजनबी मर्दो औरत किसी जगह पर हो अलग से, तो तीसरा शैतान उनमें होता है। बोले औज़ु बिल्लाहि तआला। और इसी का एक तरीक सुन निसाई अल कुबरा में है, मिश्कात में भी मैंने ढूंढ लिया है, 6012 नंबर हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी किसी अजनबी औरत के साथ खलवत न करे वरना तीसरा शैतान होगा, और जिस शख्स को उसकी नेकी खुश कर दे और उसकी बुराई परेशान कर दे तो वो मुमिन है, यानी उसके भी नेचर परवर्टेड नहीं हुई है, अगर गुनाह उसके दिल में खटक रहा है और अच्छाई करने से उसे खुशी मिलती है। तो ये आप जरा इस्लाम का मिजाज समझें कि मर्दो औरत अलग नहीं इस तरीके से हो सकते, बहुत क्रिटिकल इशू है। और इस एतबार से जो जावेद अहमद गामदी साहब, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, कई मामलात में मैं अपना उस्ताद समझता हूँ उनको, लेकिन बाज़ुकात वो इतनी अजीब व गरीब किस्म की बातें कर जाते हैं और इतनी आज़ाद ख्याली वाली कि नौजवान नस्ल का किबला ख़राब कर देती हूँ बातें। उनका क्लिप भी चढ़ा हुआ था कि मर्द औरत आपस में शेक हैंड भी कर सकते हैं, अब अंदाज़ा करें, यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि अलादा ना हो तो टच करने वाला मामला, फिर उनका भी खैर ऐसा उस तरह कसूर नहीं है क्योंकि फिका अनफी की उनके फिर मुरीदीन ने और उनके चाहने वालों ने और उनके शागिर्दों ने फिका अनफी की भी इस तरह की बातें निकाल के बता दी हैं। अब तो चाहिए ना जो गामदी साहब गलत कह रहे हैं वो अपने बुजुर्ग बाबों को भी फिका अनफी के गलत कहें कि जिन्होंने इस किस्म के मसाइल लिखे हुए हैं, हम तो दोनों को गलत समझते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी रिक्कत अंगेज हदीस है सुनन तबरानी में सही सनद के साथ, इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक 486 नंबर है, जुज 20 और सफा 212 पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी गैर महरम औरत को हाथ लगाए, यह इससे बदतर है कि उसके सर में लोहे की कील ठोंक दी जाए, यानी लोहे की कील किसी के सर में ठोंक दी जाए इसकी वो तकलीफ नहीं है जो इस चीज का अजाब होने वाला है कि कोई शख्स किसी औरत को, गैर महरम औरत को हाथ लगाए। मुसनद अहमद में हदीस मौजूद है, आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी गैर महरम औरत को हाथ नहीं लगाया, बैत के लिए भी नेवर। और आजकल आप पीर और मुरीदनियां उनकी और फिर वो देखें हाथ फेर रहे होते हैं, बल्कि अब तो पता नहीं यूट्यूब पे क्या क्या वीडियो है, अब तो पता नहीं वो मुआनका और कहां तक बातें पहुंच चुकी हुई है, और मीडिया ने ये सारे इनके चट्टे बट्टे खोल दिए और लोग बड़े वो कह रहे थे नहीं नहीं ये जाली पीर है, असली पीर इस तरह के नहीं होते। देखो भाई, पीरी मुरीदी का जो सिस्टम है वो पूरे का पूरा ही फ्रॉड है, जाली और असली वाली कौन सी बात हुई, एक चीज है ही गलत है, वो जाली ये वही बात है, अच्छी बिदत और बुरी बिदत। तो मेरे भाई जड़ा कटोगे वही लाल है, जो खुल जाता है उसका पता चल जाता है, जिसका औरतों के साथ इंटरेक्शन इस तरह का होता है वो मामला इधर तक फिर चले जाते हैं। बोले औज़ु बिल्लाहि तआला। तो ये इस्लाम का मिजाज समझे, और गामदी साहब को भी मैं दावत इस्लाह दूंगा इस हवाले से कि थोड़ा ख्याल करें, और जिस तरह मॉडर्न तबके में उनकी आवाज पहुंची है तो आपकी जरा सी लग्जिश, और फिर उसमें तो उन्होंने क्लिप में यहां तक कह दिया जी कि जी वो जो कोई अरबी किस कर लें अगर दो कजन आपस में, तो उन्होंने कहा जी वो अरबी किस तो हवा में ही होती है और मुआन का, और पता नहीं फिर उनको कोई बिल्कुल ख्याल नहीं आया, जब वो बोलने पर आते हैं इस तरह के तो फिर वो सारी हदें फलांग जाते हैं। तो मैं गामदी साहब की इज्जत भी करता हूं, लेकिन इस तरह के मामलात के अंदर हमें सख्त उनसे इख्तलाफ है, चाहे गामदी साहब हों, चाहे डॉक्टर जाकिर नायक हों, चाहे शेख अल्बानी हों, चेहरे के पर्दे के इशू के मामले में हम सबसे इख्तलाफ राय रखते हैं और उनको दावत इस्लाह देते हैं इस हवाले से। और मैंने बड़ी डिटेल से तकरीबन 30-35 मिनट में इस हवाले से एक बुखारी और मुस्लिम की हदीस का गलत फहम लिया जाता था, उसके ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाया था, मसला नंबर 106, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स बॉयज़ और गर्ल्स की डेट्स पे मुलाकातें और पर्दे से मुतालिक अहकाम मसाइल, और ये वैलेंटाइन डे के ऊपर भी इस तरह के मामलात होते हैं। और मुझे भी कई लोग फ़ोन कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जनाब कि नहीं जी हमारी तो, हम बड़ी पाकीज़ा मोहब्बत करते हैं, अब ये गैर महरम औरत के साथ पाकीज़ा मोहब्बत वाला कौन सा मामला है, पाकीज़ा वो समझते हैं शायद कोई फिजिकल इंट्रैक्शन ना हो तो वो पाकीज़ा हो जाएगी, उसी से पूछें कि आपकी सिस्टर के साथ कोई पाकीज़ा मोहब्बत करे और दुस्ताना हाथ में पहन के उसको फूल दे वैलेंटाइन डे के ऊपर, पाकीज़ा मोहब्बत है ना, हाथ भी नहीं लगा रहा तो आपको अच्छा लगेगा ये पाकीज़ा मोहब्बत, तो दूसरों के मामले में बड़ा इंसान को अच्छा लग रहा होता है।
लेकिन जब अपने ऊपर गुजरती है फिर पता चल जाता है ये पाकीजा मोहब्बत है या ये पलीद मोहब्बत है। इस्लाम में जो जामिया तिर्मिजी में वाज़ह हदीस है, मैं अगली दफा बता भी दूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोहब्बत जो है वो मियां बीवी की है, कोई दो मोहब्बत करने वाले मियां बीवी से बढ़कर कोई भी मोहब्बत करने वाला ये रिश्ता एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो एज फार एज सेक्स इज कंसर्न। इंशाल्लाह मैं अगली दफा इन अहदीस को ढूंढ के मैं भी तैयार कर रहा हूं, इंशाल्लाह ये सारी अहदीस इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। तो मसला नंबर 106 में भी मैंने ahlesunnatpak.com पे इसके ऊपर डिस्कशन की थी। फिर मुझे लोग बाद लोग ये कह रहे होते हैं कि जनाब आप वो जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक का भी रद्द करते हैं जी, आप शेख अल्बानी का भी करते हैं जी, गांधी साहब के बारे में आप नरम गोशा रखते हैं। मैं तो सबके बारे में नरम गोशा रखता हूं। बहरहाल वो गांधी साहब के बारे में अगर मैं नरम गोशा इसलिए रखता हूं कि वो किसी फिरके को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए नौजवान नस्ल जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई हुई है। अब जब नौजवान नस्ल उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई हुई है तो वो नौजवान नस्ल वो है जो दीन से बरगश्ता है, जो उनकी तरफ अट्रैक्ट है और उसकी वजह से किसी दर्जे में दीन के ऊपर आई। अब जब गांधी साहब को टारगेट करना होगा, उनकी गलती की इसलाह करनी होगी, उसमें फिर हमारी गुफ्तगू की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। लेकिन जो फिरकों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो तारिक जमील साहब हैं जिनके पीछे देवबंद मकतब फिक्र खड़ा है, अब वो चाहे अपने आप को न्यूट्रल पेश करें, बहरहाल वो एक मकतब फिक्र तो खड़ा है। डॉक्टर जाकिर नायक के पीछे भी अहले हदीस खड़े हुए हैं, वो बेशक कहते हैं कि मैं मुसलमान कहलाता हूं सब कुछ है, लेकिन उन्होंने आज तक जुरत नहीं की है कि अहले हदीस के खिलाफ कोई मसला बयान करें। मसले बयान करें ना अहले हदीस के खिलाफ तो मैं देखता हूं फिर वो अहले हदीस कैसे ऑन करते हैं उनको। इवन यजीद वाले मसले में भी उन्होंने अहले हदीस के लोगों को सपोर्ट किया, बाकी सारे मामलात में। बहरहाल वो एक मकतब फिक्र तो उनको ऑन कर रहे हैं, वही उनकी तकरीर भी मस्जिदों में अरेंज करवाते हैं, कोई डिसऑन तो नहीं कर रहे हैं। तो वो डिसऑन जिसको करते हैं उसका पता चल जाता है कि ये बंदा फिरकों से निकला हुआ है, वो या मैं हूं तो या गांधी साहब है। तो इसलिए फिर मैं जाहिर है कि मेरा फिर उस मामले में थोड़ा सा लीनियंट नुक्ता नजर हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं गांधी साहब को मामला में से, मैंने तो दाढ़ी का लेक्चर उनके खिलाफ दिया है, हयात मसीह नजूल मसीह वाला लेक्चर उनके खिलाफ दिया है। बाकी अब अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि मैं उनको गालियां निकालना शुरू कर दूं या मैं उनके साथ वही रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करूं कि गांधी साहब की दाढ़ी नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है, तो ये भाई इल्म का मैदान है, यहाँ पे जज्बात की कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल मैं मौलवियों से उनको बार हर सूरत बेहतर समझता हूँ, तो उनके मानने वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके इल्म से मुतासर हुए हैं तो उनकी हर चीज को ही ना पॉजिटिवली ले, कुछ चीजें उनकी गलत भी हैं। और वो खुद भी कहते हैं कि जो मेरी ये मेरी राय है, अगर किसी को इख्तलाफ है वो कर सकता है, ये जुर्रत उन्हीं की है, वैसे बहुत बड़ी जरूरत है, ये मैंने किसी और बंदे में नहीं देखी है कि वो बात बयान करके के एंड पे ये मेरी राय है आप इख्तलाफ है राय कर सकते हैं। यानी मेरे अंदर भी ये हौसला उन्हीं की बातें सुन के थोड़ा बहुत पैदा होना शुरू है, तो मैं भी अब कहना शुरू हूं, वरना कोई भी नहीं ये बात कहता कि ये मेरी राय है आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े हौसले की बात है, और मैं कहता हूं बाकी स्पीकर को भी उनसे सीखना चाहिए, बाकी जो गलत चीजें हैं उनकी छोड़ दें। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, इमाम गजाली रहमहुल्ला ने भी अल मुनकसु मिन अद्दलाल में ये बात लिखी है कि मैंने एक दुनिया में बहुत बड़ा अलमिया देखा है कि जब लोग किसी से एक फील्ड में मुतासर हो जाते हैं ना, तो उसकी बाकी फील्ड्स में भी एक्सपर्ट ओपिनियन को मिनवान उसी तरीके से कबूल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, अब जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा सियासतदान भी हो, तो क्रिकेट की फील्ड में तो वो जरूर उसकी बात को अथॉरिटी माना जा सकता है, लेकिन अगर वो कह के चूंकि अब मैं बहुत बड़ा अच्छा क्रिकेटर हूं लिहाजा मैं अब सियासत के बारे में भी जो बात करूंगा, मैं जो दीन के बारे में भी बात करूंगा, वो भी उसी तरीके से एलीट होगी क्योंकि मैं वर्ल्ड कप जिताया है, तो ये जरूरी नहीं होगा। इसी तरीके से एक आलमे दीन है जिसकी दीन की फील्ड के अंदर कोई एक्सपर्टीज है, तो अब वो समझता है चूंकि मेरी दीन के अंदर एक्सपर्टीज है लिहाजा अब मैं मेडिकल फील्ड पर भी इंजीनियरिंग की फील्ड पर भी बोलूंगा, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही बोले गलत भी बोले बोल सकता है। इस तरीके मैं अपने लिए भी बात करूंगा कि मैं इसीलिए जब भी बोलता हूं मैं रेफरेंसेस देता हूं। हां मैं जब जाती बात करूं आप फेंक सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बता देता हूं कुरान में लिखा है, बुखारी में लिखा है, मुस्लिम में लिखा है, फिर मेरी तो जिम्मेदारी खत्म हो गई, फिर आपका झगड़ा अल्लाह और उसके रसूल के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा, मैंने तो हदीस बता दी है, ये तो मसला ही नहीं है। तो मैं ये अपने वाला मामला भी क्लियर कर दिया, कल नू कोई कहे कि जनाब तुम तो इंजीनियर हो तो दीन उत्ते क्यों गल कर रहे हो, तो आड़े मौलवी के बगैर वाले ने गल करते हैं, कूड़ भी मार के टुट जाते हैं, झूठी रिवायतें भी बयान कर जाते हैं, ज़ईफ रिवायतें भी, सारे मुकादमे फिक्र के, बरेलवी दोबंदी अहले हदीस अहले तशय्यो, यकीन करें मेरा अब जरा मिजाज थोड़ा डिफरेंट हो गया, वरना मैं अगर इन सारे उलमा के पोस्टमार्टम करने शुरू करूं ना, बरेलवियों के, दोबंदियों के, अहले हदीस के, अहले तशय्यो के,
मैं इनकी कितनी आपको गलतियां पॉइंट आउट कर दूंगा कि ये लोग बिल्कुल शर्म नहीं करते हैं, अपने मसलक के लिए ज़ईफ रवायतें, झूठी रवायतें भी बयान कर जाते हैं। सारे ही इस अवाम के अंदर नंगे हैं। वजह मसलक परस्ती है। मसलक से निकलेंगे फिर इस तरह की बातें नहीं करेंगे। तो असल बीमारी वो है, वो बीमारी जब निकलेगी ना, जो पंजाबी के अंदर कुत्ता खूह जो निकलेगा ना, फिर तुम डोल वी कढ़ोगे तो जड़ा ना वो कुएं का पानी साफ होगा। अगर कुत्ता बीच में ही है फिर का वारियत का कुत्ता, तो जितना मर्जी आप इसलाह करें इसलाह तो नहीं हो सकती। तो ये फर्क है। रेफरेंसेस अगर कोई देता है तो कोई यहूदी भी आके दे, आप कबूल करें उसको। तो सही बुखारी में हदीस मौजूद है ना कि शैतान ने इंसानी शक्ल में आके आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि है वो झूठा था लेकिन बात सच्ची की है। शैतान भी अगर आपको रेफरेंस के साथ कोई बात करता है एक्सेप्टेबल होगी। रेफरेंस को देखा जाएगा, किसी पर्सनैलिटी को ये नहीं। बहुत बड़े बड़े उलमा हैं झूठ बोल के चले जाते हैं और लोग कहते हैं उन्होंने फरमा दिया। फरमाया फरमाया क्या, वो उनकी अपने बुजुर्ग बाबों की तालीमात होती हैं, किताबो सुन्नत की तालीमात नहीं होती। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस में ये बेहयाई के हवाले से ही, लोग कहते हैं नहीं पता नहीं चल रहा जी, इस्लाम का मिजाज मेरे भाई क्लियर है, इस्लाम का मिजाज ही हया के ऊपर है। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, मिश्कात में उसका नंबर है 5073। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से आर महसूस करे कि लोगों को पता चल जाए, इस बात से डरे तू। यानी तेरा अंदर का बैठा हुआ मुफ्ती गवाही दे रहा है कि तू गलत काम किया है भाई। जब तू डरे ना कि लोग इस पर मुतला ना हो जाए। मुझे भी कई लोग फोन करके पूछ रहे होते हैं जनाब ये जायज है कि नाजायज, तो मैं आगे से ये तो नहीं कहता कि जायज है नाजायज। मैं कह रहा तुम क्या कहते हो जी गलत ही लगता है, तो मैं लोगों को पूछते पे हो। मेरे लिए इसलिए मुझसे इसलिए पूछ रहे होते हैं कि जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमारे गुनाहों का बोझ उठा ले, ये किसी तरीके जायज कह दे तो बस ठीक है। जिस आज भी वो कहते हैं जी मुफ्ती साहब ने फरमा दिया है, उन्होंने फतवा दे दिया जी, फतवा आ गया, फतवा है वही नाजिल हो गई है। फतवा कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन को, किसी का जाती ख्याल। फतवा तो चाहे आज के किसी आलिम का हो, चाहे आज से 1400 साल पहले किसी शख्स का फतवा हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, उससे इल्मी दलाइल के साथ इख्तलाफ हो सकता है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे कब्र रसूल की तरफ इशारा करके कि इस साहिब कब्र के अलावा दुनिया में कोई और ऐसा शख्स नहीं गुजरा कि जिसकी कुछ बातें मकबूल और कुछ मरदूद ना हो, सवाए इस शख्स के इसकी तमाम बातें जो हैं वो मकबूल हैं, मरदूद कोई नहीं है। इस शख्स के अलावा हर शख्स से इख्तलाफ किया जा सकता है दलाइल की रोशनी में। इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती। किसी का इल्मी या अपना जो दीन के एतबार से मर्तबा अपनी जगह, लेकिन इल्मी दलाइल के साथ इख्तलाफ राय उसके साथ हो सकता है, ये बड़ी अहम बात है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक जामिया तिर्मिजी में हदीस है, मुस्नद इमाम अहमद में भी है और मिश्कात में 2773 है। सैयदुना हसन इब्ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे वालेहिस्सलाम, वो कहते हैं कि मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात सुन के याद रखी है कि जो चीज तुम्हें शक में डाल दे उसे छोड़ दो, सच्चाई इत्मीनान देती है और झूठ शक पर मबनी होता है। सच्चाई वो आपको अंदर से बता रही होती है ये सच है, और झूठ जो है वो आपको शक में डाल देता है। ये बड़ी अहम चीज है। इसलिए मैं ये कहा करता हूं अक्सर कि दुनिया के किसी भी मुआशरे में आप चले जाए, झूठ बोलने को बुरा और सच्चाई को अच्छा समझा जाता है। किसी को धोखा देने को बुरा, किसी के साथ खैरख्वाही को अच्छा समझा जाता है। ये हमारी इंस्टिंक्ट के अंदर है। तो ये वो ये दोनों अहदीस मुस्लिम और जामे तिर्मिजी को उसी को सपोर्टिव